आपको पता है स्टार्स के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं. आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं? मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं तो टांगे तोड़ दूं जो आपके बारे में अफवाह फैलाए. पर फिर भी लोग कहते हैं कि दीपिका आ रही है, तो आप कंफर्म कर लेना. कहते हैं कि आपको सड़क पे खड़े होके पानी पूरी खाने का शौक है, कभी कभी आप भेष बदल के ऐसा करती भी है. इज इट ट्रू? ये सच है. है जी. कहाँ पे खाते हो गोलगप्पे आप? रेडी लगा लेते हैं मदर में और कोलकाता में सब्यसाची के शॉप के बाहर एक बहुत फेमस चाट वाला होता. अच्छा. था, अब पता नहीं. अच्छा. पर वहां पे खाया मैंने बहुत. कलकत्ता में बहुत गोलगप्पे. स्टार बनने के बाद की बात कर रहा हूँ जी. तो आपको लोग परेशान नहीं करते? करते हैं, पर मुझे तो गोलगप्पे में इंटरेस्ट है तो. आज के बाद इसे भी गोलगप्पे में इंटरेस्ट है. मेरे को तो लोग खुद ही गोलगप्पा बोलते हैं कहीं. आपने कभी सात तरह के पानी वाले गोलगप्पे खाए हैं? ऑरेंज फ्लेवर, हींग फ्लेवर? नहीं नहीं, नहीं इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है मैंने. अमृतसर आती ना तो वहां पे मिलते हैं. बैंड्रा में नहीं मिलते, बैंड्रा में महंगे फ्लैट ही मिलते बस. हाँ, उसके साथ ही जुड़ी हुई ये अफवाह भी है कि आप ज्यादा गोलगप्पे खाने के चक्कर में बातें ज्यादा करती ताकि दुकानदार को गिनती भूल जाए. ये तो अफवाह है, ऐसा नहीं कर सकती दीपिका. पर ये हो सकता है. अच्छा, ये पॉसिबल है. अफवाहों में काफी सच्चाई है. ओके. एक अफवाह ये कि आप हमेशा अपने साथ इमरजेंसी किट में सुई धागा और सेफ्टी पिन रखती हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि रणवीर जो है वो बड़ा उछल कूद करते हैं, उनके कपड़े कभी भी फट सकते हैं. ये सच है? और ये हुआ है. कहाँ हुआ था ये? इसी क्रूज के बाद मैं वापस जा रही थी इंडिया और एक कुछ म्यूजिक फेस्टिवल था बार्सिलोना में. अच्छा. और तो क्रूज से हम लोग उतरे और वी वेंट टू द म्यूजिक फेस्टिवल और वहीं से मैं एयरपोर्ट जाने वाली थी और उसने कुछ लूज सा एक पैंट पहना था और वो कुछ एक अजीब ऐसा एक स्टेप कर रहा था और बीच में वो थर्र करके वो फट गया, सारा तत्तर तत्तर हो गया है. सो आई वाज लाइक वेट. और मैंने मेरे बैग से सुई निकाला, धागा निकाला और सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सब कर रहे हैं और पार्टी के बीच में मैं इसका मैं पैंट सिला रही थी. और इसका फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ. हाउ लकी रणवीर यू आर. ओके. तो एक अफवाह ये है कि आप चाय और कॉफी मिक्स करके पीती हैं और उस ड्रिंक को चॉफी कहती हैं. मैं तो नहीं मानता दीपिका चाय पीती होंगी. मैं नहीं मानता. क्यों? चाय पी नहीं सकती आप, कॉफी पी सकती हो. दोनों चीजें नहीं. क्यों? क्यों? ओनली जूस. ओनली जूस. दिस इज रबिश. This is rubbish. I myself denied this. Yeah. अच्छा, ये अफवाह है कि आप एक खतरनाक बाथरूम सिंगर हैं. बाथरूम में इतनी जोर जोर से गाती हैं कि आपके घर के बाहर तक आवाज आती है. Really? घर के बाहर तो नहीं, पर बाथरूम के बाहर. मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? हाँ. कभी हमें गाना नहीं सुनाया आपने ऐसे माइक को? आप सुनना चाहेंगे? हम लिविंग रूम में बैठे हैं ना. अरे मेरा कहने का मतलब वैसे कभी गाना नहीं सुनाया. ओके. एक अफवाह ये कि आपको कॉकरोचेस इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती हो. व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते आई लव देम. आई मीन आपको क्या लगता है मुझे कॉकरोचेस पसंद है? अगर आपको पसंद है आई विल अडॉप्ट देम. अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते. पर ये इज इट ट्रू और नॉट? कपिल आपको क्या लगता है? हाँ. आप जानते हो ना मुझे. कहाँ इतना. जानता नहीं, होता मुझे तो ये कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है. नहीं पसंद है तो ये अफवाह है. रबिश. आई हेट कॉकरोचेस. कन्विंसिंगली बोलो. रबिश.
और जोर से बोलो। गोली मार दो जिसने ये अफवाह फैलाई है। अच्छा एक अफवाह और भी है, बड़ी क्यूट अफवाह है कि आपके गालों पे जो डिंपल पड़ते हैं रणवीर देर देर तक उसके साथ बातें करते हैं। वाह, अफवाह सुन के ही मजा आ गया, बाकी पता नहीं। ऐसे अफवाहें फैलती हैं देखो आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कीप इन टच, मैं आपको बताता रहूं मार्केट में क्या क्या अफवाहें फैलती हैं। ये मैंने नहीं सुना है पहले। अच्छा रबिश पीपल। ओके अच्छा एक अफवाह ये कि फराह खान ने आपको एक कुकर गिफ्ट किया है जो आपको देख के सीटियां मारता है। ये सही बात है? कुकर के अंदर जो बिरयानी है उसको देख के सीटी मारता है। तो मतलब कुकर मिला है आपको ऐसा गिफ्ट में? वाओ ओके विद बिरयानी। अच्छा एक अफवाह ये कि आपका और रणवीर का शू साइज सेम है इसलिए आप दोनों जूते अदल बदल के पहनते रहते हैं। ये भी सच है। है? ओके दीपिका एक अफवाह ये है कि बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए जब भी आप सीढ़ी चढ़ती थी तो आपको सांप काट लेता था और आप शू करके नीचे आ जाती थी, इसलिए आज तक आप सीढ़ी चढ़ने से डरती हैं। मैं नहीं मानता ये बात को। मुझे हाइट से डर है थोड़ा बहुत। हाइट से? तो आप तो खड़ी खड़ी ऊपर से नीचे देखिए तो आपको डर लगता होगा ना। मुझे पता था ये बोलने वाला है, पता था ये। पर दोनों चीजें अलग है। ओके यू नो देयर हाइट से फोबिया मुझे भी है। कितने अच्छा? विचार मिलते हैं हमारे। मुझे भी बहुत डर लगता है हाइट से। इट्स टू लेट कपिल, इट्स टू लेट, मच टू लेट। सरकार भले ही बन गई हो हम अपने विचार भी ना रखें। अभी ओके लास्ट अफवाह है, आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में की हैं, पीरियड फिल्में करके आपको राजा महाराजाओं के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने बॉडीगार्ड भी ऐसा ढूंढा है जिसका नाम महाराजाओं जैसा है। क्या है उनका नाम? जलालुद्दीन। ये आपके स्टाफ में कौन है जलालुद्दीन? जलाल। कहाँ है? आए अंदर। जलालुद्दीन कहाँ है? कहाँ है जलालुद्दीन? हाजिर हो, हाजिर हो जलालुद्दीन। ये कैसा बॉडीगार्ड जो आपके साथ ही नहीं, आसपास ही नहीं है? जलालुद्दीन आई एम बेटर देन यू, मैं देखो इसके साथ खड़ा हूँ। हाय बोलो सबको। हेलो जलालुद्दीन, मुझे अपना नंबर दे के जाना। जरूर जरूर सर। आपका नाम बोलो। फुल नेम जलालुद्दीन शेख। वाओ जलालुद्दीन शेख, बड़ा प्यारा नाम है जलालुद्दीन। कैसे हो? इतना प्यार है, दीपिका को प्रोटेक्ट करता है मेरा भाई। दीपिका का अच्छे से ध्यान रखना आप, किसी को पास मत आने देना, आपको भी रणवीर को भी नहीं, आपको भी नहीं। मेरे को बोल रहे आपको भी नहीं। थैंक यू जलालुद्दीन फॉर प्रोटेक्टिंग अवर लविंग दीपिका, गॉड ब्लेस यू। दीपिका हमारी ना कुछ गृहणियों के सवाल हैं, उनका ये लगता है कि दीपिका सुपरस्टार है बट क्या वो हमारे जैसे काम करती हैं, तो उन्होंने अपने कुछ सवाल भेजे जो मेरे थ्रू मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। okay. तो उनका कहना ये है कि आपके घर में जब पोचा लगा हो तो गीले फर्श पे चलने से मना करती हैं आप रणवीर को कि नो फर्श गीला है? हाँ सच्ची? क्या? वाह आपने कभी दूध वाले से खुद जाके दूध लेती हैं? यस। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांगा कभी? हाँ पर कूपन दे के। कूपन होते हैं आपके उधर? हमारे तो ऐसा लेके आता है इधर अंडर आर्म में दबाया होता है ऐसे डाल देता है, कोई कूपन नहीं होता है ना? कूपन ये तो हमारे वाला एरिया, अब एरिया एरिया का फर्क है ना, ये रहती महंगे एरिया में, हमारे वाला जो आता है ऐसे दूध देता, अर्चना तो सीधा भैंस के निकाल देती है। एक बार ये गई ये करती है सुबह सुबह बड़ा वाला बर्तन ले जाती है और दातुन करते करते देखती किसकी भैंस खुली कोई आसपास नहीं है। एक बार ये भैंस का दूध निकाल रही थी उसका मालिक आ गया, इन्होंने भैंस उठाई इधर रख के भाग। अच्छा मेरा एक पर्सनल सवाल है, कभी आपने ऐसे ड्राई फ्रूट खाते? अच्छा ये सब पर्सनल नहीं नहीं ये तो लेडीज के हैं, मेरा एक पर्सनल अप्रोच है, कभी भी ड्राई फ्रूट खाते खाते ऐसे बादाम गिर जाए कोई देखना रहा उठा खा लेती आप?
यहाँ क्या, यहाँ भी गिरा तो मैं उठा के खा ली। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। 5 second rule। 5 second rule। हो जाता है कभी। 10 second, 15 second, 20 second। इनका तो काजू गिर गया था जूहू बीच पे। तो ये तैर के गई दादर से निकली बात। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। हाँ। वो आगे काजू चलता चलता किसी आदमी के मुंह में चला गया और दादर में जब ये बाहर निकली आदमी को यहां से पकड़ा हुआ था। निकाल बात, निकाल काजू। तेरी इमेजिनेशन ना। काजू के साथ साथ उसके गले का कौवा भी खींच लिया। बोलती भैया डरने की बात नहीं, मैं अपना सामान लेके ये छोड़ दूंगी। तो ये सारी कहानी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, घर में राशन के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए, आपने कभी उसकी लिस्ट बनाई ऐसे जैसे ग्रैंडियां बनाती हैं? हाँ। कि एक टूथपेस्ट ये वो सब बनाती हैं आप? मंथली, एक तो मंथली लिस्ट होता है, एक तो वीकली लिस्ट होता है और एक डेली लिस्ट होता है। ओके, लास्ट अपने हस्बैंड की जेब से चुपके से पैसे निकाल ले। अच्छा, चलिए आप भी छुपके निकाल लिया करो, हाथ मरोड़ने की जरूरत नहीं होती। सॉरी सॉरी, अब बहुत प्यारी लग रही है, मैं बार बार ध्यान जा रहा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।